दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त करण, आज आपके लेकर आया हूँ एक और नई तकनीक। आज हम उगाएंगे ग्वारफली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्वारफली की सीड्स हैं। इसे आप किसी भी सीड शॉप से ख़रीद सकते हैं, ये आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। ये मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिले थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्वारफली का पैकेट है, ये मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिला था। तो आप ये ख़रीद सकते हैं क्योंकि इन पर एक लेयर चढ़ी होती है, तो ये आपको पर्पल कलर के दिख रहे होंगे, तो ये बीजों को ख़राब होने से बचाती है। तो आप यही बीज लेंगे तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होएगा। तो मैं आपको इसका जर्मिनेशन परसेंट भी बता देता हूँ कितना है। इस पर जर्मिनेशन परसेंट है 70। ये देखिए, आप देख सकते हैं 70% जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये बीज सबसे बढ़िया रहेंगे। आप नॉर्मल जो वैरायटी आती है छोटी फली वाली, वो भी ले सकते हैं। ये बड़ी फली वाली वैरायटी है, ये अपने हाथ जितनी बड़ी हो जाती है कलाई, बहुत बड़ी है ये। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि सोयल मिक्स कैसे रेडी करें। सोयल मिक्स करने तैयार करने के लिए आपको 50% काउडम कंपोस्ट, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, और इसमें आप मिट्टी मिलाइए, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल जो लेते हैं, गार्डन सॉइल, वो मिला दीजिए। और इसमें थोड़ी सी आप वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, वरना अगर आप घर पर चाय बनाते हो तो चाय पत्ती भी आप इसमें डाल के बना सकते हो खाद। तो आप उस चाय पत्ती की खाद को भी इसमें डाल दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी ये सॉइल बन जाएगी। बिल्कुल पोरसिटी सॉइल है, इसमें बहुत जल्दी ग्रो होता है, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, बीज तैयार करने के लिए पहले आपको या तो आप इसे भिगो दीजिए आधे घंटे के लिए, फिर आप इन्हें ग्रो करिए, या फिर आप यूं ही डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। मैं आज यूं ही डायरेक्ट ग्रो कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। किसी भी आप पोट या कोई भी प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हो, जिस या गमला ले सकते हो आप बड़ा, उसमें आप ये सॉइल मिक्स डाल दीजिए। बढ़िया सॉइल मिक्स, वेल ड्रेन होनी चाहिए। और इसमें आप ये सीड्स यूं डाल दीजिए, एक रख कर उंगली से दबा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दीजिए, खड्डा कर बीज डाल दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दीजिए। ऐसे लगाओगे तो आपका जर्मिनेशन परसेंट भी ज़्यादा आएगा। और अगर आप एक बार इसकी पूरी मिट्टी हटा के थोड़ी मिट्टी 1 इंच लेयर कम करके फिर आप बीज को बिछाते हो, इसके ऊपर मिट्टी डालते हो, ये भी तरीका भी अपना सकते हो, उससे भी जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। इसको ज़्यादा डीप मत लगाइए, जितना ज़्यादा डीप लगाओगे उतना ही लेट ग्रो होएगा। तो आप इसको नॉर्मल इतने साइज़ का ही अंदर डालना है मिट्टी के, इससे ज़्यादा मत डालिए। इतना अंदर डालोगे तो जर्मिनेट भी लेट होएगा और हो सकता है जर्मिनेशन भी ना हो। तो आप इसमें यूँ आराम से डाल दीजिए बीज, और जितने आप ग्रो कर सकते हैं उतने ग्रो कर दीजिए। आपके घर गमलों के हिसाब से इसको ग्रो कीजिए। आप 2-2 बीज भी लगा सकते हैं। आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। एक बार पौध रेडी हो जाए तो आप इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। बीज लगाने के बाद इसमें वाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वाटरिंग नहीं करोगे तो आपका बीज है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसमें आराम से वाटरिंग कर दीजिए। इसे वाटरिंग भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार वाटरिंग कर दीजिए, फिर जब ऊपर से मिट्टी सूखने लगे तभी इसमें पानी डालिए। ज़्यादा इसको पानी मत डालिए क्योंकि बीज ख़राब हो सकते हैं आपके ज़्यादा पानी की वजह से। इसमें अच्छे से आप इसे पानी डाल दीजिए, एक बार अच्छे से पूरी मिट्टी गीली कर दीजिए, जिससे इसमें कोई भी जो बीज है वो जर्मिनेट ना हो, ऐसा ना हो, सभी बीज जर्मिनेट होंगे अगर आप अच्छे से पानी डालेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको 15 दिन का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रो करे थे इस मिट्टी में, वही मिट्टी है जो मैंने आपको बताई थी, 50% काउडम कंपोस्ट और सॉइल गार्डन सॉइल। तो और ये 15 दिन के बाद देखिए आपके प्लांट मेरे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इन पर नई शूट्स भी निकल रही है, तो बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं मेरे प्लांट। और इसमें रेगुलर वाटरिंग करता हूँ क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आप इसमें पानी की कमी मत होने दीजिए। ऊपर का सरफेस सूखने लग जाए तभी इसमें वाटरिंग कीजिए, जैसे कि अब मैंने कल शाम को की थी वाटरिंग, अब आज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार आप इसके ग्रो कर सकते हैं। तो 60 दिन बाद आपके ये फलियाँ देने लग जाएंगे, फलियों से भर जाएंगे। इसमें अभी थोड़े दिन में फूल आने लग जाएंगे, 30-35 दिन में, 60 दिन में आपका पौधा पूरी तरीके से फलियों से भर जाएगा और आप अपने घर पर इसकी आसानी से सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।